बेस वेरिएंट के हिसाब से ना पूरे कैबिन में आपको बढ़िया बढ़िया फीचर दे रखे हैं। कमाल ही कर दिया यार महिंद्रा ने। ऑल फोर पावर विंडो मिल जाती है। ग्लव बॉक्स के मामले में अगर टाटा को कोई टक्कर दे रहा है तो महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारे साथ में XUV 3XO, ये है 7.5 लाख रुपए वाली 3XO। इससे पहले भी मैंने एक बेस वेरिएंट की वीडियो शेयर की थी, वो उस टाइम के लिए बेस वेरिएंट था क्योंकि उससे नीचे कोई भी वेरिएंट किसी भी डीलरशिप पे आया ही नहीं था। शायद महिंद्रा ने मेरी बात सुन ली। और आज हमारे साथ में है XUV 3XO MX1। ये टोटली बेस वेरिएंट है, 7.5 लाख रुपए में आता है। भाई 7.5 लाख रुपए में ना आपको इतने अच्छे साइज की गाड़ी मिल जाती है और उसके ऊपर से इसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि यार मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। फीचर्स देख के मैं खुद हैरान होगी कि यार महिंद्रा ने इतना कुछ दे दिया, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और एक चीज आपको और बता दूं, पक्का 100% ये लिमिटेड टाइम डील है, इसके प्राइसेस पक्का बढ़ जाएंगे, तो बिना सोचे समझे इसको परचेज कर लो। और जरा आओ मैं आपको दिखाती हूं कि इसमें आपको क्या-क्या मिलता है। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखोगे तो यहां पे ना आपको एक सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है। हाई बीम और लो बीम दोनों इसी में ही शिफ्ट होती है और हेलोजन है ये। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक DRL की यूनिट मिल जाती है। और इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर की यूनिट ना इतनी लाइट होती है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट होता है। और इस वेरिएंट में ना आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता, ये वाला एरिया पूरा कवर कर रखा है। अगर आप चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हो या फिर एज एन एसेसरी महिंद्रा से भी परचेज कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे ना तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल ऑफर की गई है। एकदम टॉप वेरिएंट जैसी ही ग्रिल है यहाँ पे, ग्रिल में कोई भी चेंज नहीं है। आपको यहाँ पे सेंटर में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे देखोगे तो आपको क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे आपको डायमंड पैटर्न देखने को मिल जाता है जो इंटीरियर में भी दे रखा है, जगह जगह इस गाड़ी में आपको दिख जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो इसका जो फ्रंट बम्पर है आपको रफ ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है, नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है। फ्रंट लुक्स में ना सिर्फ आपको दो ही चीजें चेंज करानी है, एक तो आपको यहाँ पे LEDs डलवानी है और दूसरी चीज यहाँ पे फॉग लैंप्स डल जाए। ये काम होने के बाद ना कोई देख के नहीं पहचान पाएगा कि बेस वेरिएंट है या टॉप वेरिएंट है। मतलब वो बेस वेरिएंट वाली जो फील लोगों को पसंद नहीं होती ना, बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इतना सही चेंज करवाना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीजें तो सेम है, ग्रिल बिल्कुल सेम है, नीचे जो सिल्वर फिनिश आप देख रहे हो वो भी बिल्कुल सेम है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, इसमें आपको बताती हूँ क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अपोलो का टायर ऑफर किया गया है। टायर सेक्शन की बात करूँ तो 205/65 R16 का यहाँ पे आपको टायर सेक्शन ऑफर किया गया। सेंटर में आपको यहाँ पे महिंद्रा का कैप मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में है। बाकी ये 16 इंच के स्टील रिम्स यहाँ पे आपको ऑफर किए गए हैं। व्हील कवर्स आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किए गए हैं। इसकी क्लैडिंग्स अगर आप देखोगे तो काफी चंकी क्लैडिंग्स मिलती है, यही सेम आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है और इसमें भी आपको सेम ऐसे कटआउट वाली क्लैडिंग ही ऑफर की गई है। और ये देखो यार, यहाँ पे आपको जो ORVM दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में है, बहुत अच्छी चीज है। आपको रफ ब्लैक में ऑफर नहीं किया गया, मतलब आपको बिल्कुल यहाँ पे ना जगह जगह ऐसे वो फील नहीं कराया गया कि हाँ भाई बेस वेरिएंट परचेज कर रहे हो, बहुत ही सही किया ये। इसके ऊपर आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जिसके ऊपर आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिलती है। और बेस्ट पार्ट है कि ये जो ORVM आप देख रहे हो ना, ये बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है। और इंडिकेटर क्योंकि यहाँ पे दे दिया तो ये जो फेंडर वाला इंडिकेटर का कंसेप्ट है ना महिंद्रा ने डिलीट ही कर दिया है, बहुत अच्छी चीज है। और इवन इसका ए पिलर देखो, ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। इवन अगर आप इसके डोर हैंडल देखोगे तो भाई ये भी आपको बॉडी कलर दिए गए हैं। और इवन अगर आप सी पिलर पे देखोगे ना तो इस पे भी आपको सेम ऐसी पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप इसकी क्लैडिंग देखोगे तो यहाँ पे भी आपको रफ ब्लैक कलर में क्लैडिंग दी गई है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, वो है इसकी रूफ रेल्स। हालांकि मैं बेस वेरिएंट में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करी, बट यहाँ पे मिसिंग है तो आपको बता रही हूँ। आज मैं आपको एक मस्त कार परफ्यूम के बारे में बताती हूँ, ये है इन्वॉल्व का एक्वा का परफ्यूम। यार इसके साथ में आपको कुछ ऐसा टैग मिलता है जिसको ना आपको यहाँ पे इस तरह से हैंग करना है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एक टैग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हैंग कर रखा है, बिकॉज मैं ये परफ्यूम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ। ऐसी स्प्रे बॉटल आती है, आपको ना बस इस कार्ड के ऊपर 2 बार स्प्रे करना है और इसकी जो खुशबू है बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि इतनी डिफरेंट फ्रेग्रेंस है ना कि हर कोई पसंद करेगा, काफी लॉन्ग लास्टिंग है। और उसके ऊपर से ना ये SUVs के हिसाब से डिजाइन की गई है, तो यार अगर आपकी बहुत बड़ी गाड़ी भी है ना तो भी 3rd row तक इसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। और तो और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। अब इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर और साथ में एंटीना, चारों ही चीजें मिसिंग है, बट यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है। और देन यहाँ पे अगर आप इसकी टेल लाइट्स देखोगे ना तो आपको LED टेल लाइट्स ऑफर की गई है। रियर इंडिकेटर यूनिट यहाँ पे है, देख सकते हो आप, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये आपको ना ग्लॉसी फिनिश में ही दिया गया है, ये वाला ना मतलब पूरा कनेक्टेड आता है टॉप वेरिएंट में, लेकिन इस वेरिएंट में ना ये लाइट अप नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया।
यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको XUV 3XO की बैजिंग मिल जाती है। अगर आप इसका रियर बम्पर देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े साइज में रिफ्लेक्टर की यूनिट मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे ग्रे कलर की फिनिश देखने को मिलती है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, और नीचे यहाँ देखोगे तो आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी ऑफर की गई है। बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट अनलॉक करने के लिए ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा अंदर जाके आपको एक बटन दिया गया है, एक दो बार में यहाँ पे आपका हाथ बैठ जाएगा। बूट स्पेस की बात करूँ तो 295 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है। पार्शल ट्रे नहीं मिलती, परचेज करनी है तो आप एज एन एसेसरी परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे तो स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको वही स्टेपनी टायर मिलता है C8 का, जो आपको बेस से टॉप वेरिएंट में सेम ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लैक और ऑफ व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ऑल फोर पावर विंडो मिल जाती है जिसमें से आपको ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिलती है। और भाई ये देखो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पे ना आपको एक कह सकते हो कप होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर की यूनिट मिलती है, और यहाँ अगर आप देखोगे ना तो आपको ट्विटर और स्पीकर के लिए जगह मिलती है, बट ये अभी फिलहाल खाली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो डोर हैंडल है रफ ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर किया गया है। तो अभी मैं इसके कैबिन में आके बैठ गई हूँ, और भाई बेस वेरियंट के हिसाब से ना पूरे कैबिन में आपको बढ़िया बढ़िया फीचर दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप स्टेयरिंग व्हील देखोगे, ऑल ब्लैक मिलता है, इसके ऊपर आपको कोई भी लेदर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती। सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड में यहाँ पे देखोगे तो आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, और यहाँ पे ना आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे ना तो बेस वेरियंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। दोनों ही एनालॉग है, बट ये जो रेड एक्सेंट दिया गया ना बहुत स्पोर्टी लग रहा है देखने में। सेंटर में ना यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले भी दी गई है जिसके अंदर आपको सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले नीचे आप यहाँ पे ऑडोमीटर देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाड़ी में कितना फ्यूल है। यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिख रही है, और यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी शो हो रही होगी। अब क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्टेयरिंग मोड्स मिलते हैं, तो ऊपर आपको यहाँ पे जो कम्फर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका स्टेयरिंग मोड है, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको तीन मोड्स दिए गए हैं, कम्फर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, पहली बात तो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके ऊपर से सॉफ्ट टच है, लेदर रैप्ड आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है वाइट स्टिचिंग के साथ में। मतलब अगर आप इस आर्मरेस्ट को इंडिविजुअली देखोगे ना तो आप बता भी नहीं सकते हो कि बेस वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट दिया गया है। कई गाड़ियों में तो आपको आर्मरेस्ट ही नहीं मिलते, यहाँ पे आपको लेदर रैप दिया गया है। और ये जो आर्मरेस्ट आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस भी मिलती है, देख सकते हो अच्छा खासा सामान यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पे आपको जो सीट कवर्स दिए गए हैं फैब्रिक में है, सिंपल सा डिज़ाइन मिलता है ये, कुछ ना आपको ग्रे और ब्लैक कलर का सा कॉम्बिनेशन मिलता है, और कुछ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है सेंटर में। और यहाँ पे ना आपको साइड में सपोर्ट भी मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए गए हैं, और फैब्रिक सीट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है। अब यहाँ पर अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखोगे, सबसे पहले सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में आता है, और स्टोरेज स्पेस देखो भाई, कितनी डीप स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर, बहुत सारा सामान यहाँ रख सकते हो। भाई ग्लव बॉक्स के मामले में अगर टाटा को कोई टक्कर दे रहा है तो महिंद्रा है, देखो यार कितनी अच्छी स्पेस मिलती है के अंदर। देन यहाँ अगर आप देखोगे आपको पियानो ब्लैक फिनिश ऑफर की गई है, जिसके ऊपर आपको ना यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिया गया है ना इसके ऊपर आपको प्लास्टिक मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। और इवन अगर आप इसका AC वेंट देखोगे ना, इसके सराउंड में भी आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश ऑफर की गई है। और ये देखो यार, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट ऑफर नहीं किया हुआ, इसको कवर कर रखा है, बट यार ये डिज़ाइन ना देखने में अच्छा सा लग रहा है। मैं इस चीज़ में महिंद्रा की तारीफ नहीं करी, बट इस चीज़ में अच्छा है कि एटलीस्ट इसको हॉलो नहीं छोड़ रखा, क्योंकि बेस वेरियंट में ऑब्वियसली आपको सब कुछ ऑफर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको मैनुअल AC मिलता है, पर यार ये देखो, मतलब ये देखने में आपको कहीं से मैनुअल AC नहीं मिलेगा। इवन जो डायल भी दी गई है ना वो 1, 2, 3, 4 वाली नहीं है, और यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल भी आप देख सकते हो, बटन्स भी आपको ऐसे देखने में बिल्कुल फील नहीं देंगे, ये टिपिकल मैनुअल AC वाला जो फील आता है। और एक बेस्ट चीज़ दिखाऊं भाई, ये पूरा कंसोल देखो, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। मतलब आपने यूजुअली बेस वेरिएंट्स में देखा होगा कि एक रफ ब्लैक सी फिनिश दे देते हैं सब जगह, जो बहुत अजीब लगती है और आपको फील कराती है कि यार क्या है, बेस वेरिएंट ना ही लेते, बट ये देख के यार सच्ची में मजा आ गया। देन नीचे अगर आप देखोगे भाई, ये देखो यहाँ पे आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी दे दी है, भाई मजा आ गया कसम से, बेस वेरिएंट में दे रखा है ये आपको। और इसी के नीचे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे फोन रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, ग्रिप पैड है, फोन आपका हिलेगा नहीं, और अटेंशन टू डिटेल देखो, यहाँ पे भी महिंद्रा का लोगो मिलता है आपको।
देन इसके अंदर आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। इसके अराउंड में भी अगर आप देखोगे तो आपको लेदर ऐप मिलता है। ये 2 cup होल्डर मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ड्राइवर साइड सनशेड देखोगे, इसके ऊपर आपको टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो इसके ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर वगैरह कुछ भी ऑफर नहीं किया गया। यहाँ पे आपको जो RVM दिया गया ना, नॉर्मल डे नाइट वाला मिलता है। और यहाँ इस कंसोल में भी आपको कोई लाइट वगैरह ऑफर नहीं की गई है। तो अभी ना मैं इसकी रियर कैबिन में आके बैठ गई हूँ। मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से ड्राइवर साइड सीट को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। नी रूम देख सकते हो यार, अच्छा नी रूम मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है और रिक्लाइन एंगल भी सही है और हेडरूम भी आपको सही मिलता है। 3 लोगों के बैठने के बारे में बात करूँ तो आई थिंक सेंटर वाले पर्सन को थोड़ा सा पैर रखने में प्रॉब्लम होगी, हल्का सा हम्प है यहाँ पे। बाकी 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यार सरप्राइजिंगली इसकी जो सीट्स है ना, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट सीट्स है। तो अगर आप मतलब लॉन्ग जर्नीज में भी ट्रैवल करते हो ना तो आपको अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। यहाँ पे आपको 2 adjustable हेडरेस्ट दिए गए हैं। सेंटर वाले पर्सन के लिए आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता और यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता। बट एक चीज़ देखो यार, बेस वेरिएंट में आपको रियर एसी मिलता है। मतलब कमाल ही कर दिया यार महिंद्रा ने जेन्युइनली। और ये देखो इसके नीचे यहाँ पे आपको एक टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है जिसमें आप चार्जिंग लगा के फ़ोन अपना यहाँ पे रख सकते हो। कसम से मज़ा ही आ गया। और इतना ही नहीं, अगर किसी दूसरे बंदे को भी चार्जिंग पे फ़ोन लगाना है तो यहाँ पे आपको 12 volt का पावर आउटलेट भी मिल जाता है। तो मतलब चार्जिंग रिसोर्सेज की यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप 1, 2, 3 फ़ोन अपने आराम से मस्त चार्जिंग पे लगा सकते हो। और पूरे कैबिन में ना आपको सिर्फ एक ही कैबिन लाइट मिलती है जो कि ये है, और ये हेलोजन है। MX1 के साथ में ना आपको कुछ ऐसी की देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती और लॉक अनलॉक का कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता। बेसिकली यहाँ पे आपको एक नॉर्मल फ्लिप की मिलती है जो आपको यूजुअली हर एक महिंद्रा की गाड़ी में देखने को मिलेगी। पीछे यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, आपको आपकी कार अनलॉक करने के लिए ना इसको यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, यहीं से ही अनलॉक होगी गाड़ी। तो कैसी लगी आपको XUV 3XO कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।